हर कोई बात कर रहा होता है कि ये करिए वो करिए ऐसा करिए वैसा करिए एंड यू विल बी एबल टू क्रैक दैट, बट कोई भी ये नहीं बताता कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको एज अ कैट एस्पिरेंट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इफ यू डू सो यू विल बी स्टक, बट इफ यू डोंट कमिट दोज कॉमन मिस्टेक्स यू विल बी अहेड ऑफ अदर्स एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर अ रियली गुड परसेंटाइल ऑन योर डी डे. और ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये वो मिस्टेक्स नहीं है जो मैंने अपने कैट प्रिपरेशन में की थी, ऑब्वियसली उनमें से कुछ है, बट मैंने इन कॉमन मिस्टेक्स, ये जो 10 कॉमन मिस्टेक्स है जिनके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ, वो टॉप परसेंटाइल्स जो कैट में हैं उन्होंने भी वो गलतियाँ की है, एंड आफ्टर टॉकिंग टू देम आई हैव कम अप विद 10 most common mistakes that are committed by CAT aspirants. And I really don't want you to commit. And for that, what do? You need to watch this video till the end. And I'm sure if you're a serious aspirant, you will. So hello everyone, my name is Ankusha Patil. And aaj ke video mein hum 10 common mistakes discuss karne wale hain. Without wasting much time, let's get into the video. Sabse pehli common mistake is your time management. क्या होता है ना, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम वही चीज़ें करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छे से आती हैं. सो सपोज अगर आपको VARC अच्छे से आता है क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपको यू लाइक टू रीड, तो आपका VARC में स्कोर भी अच्छा आता है, आपको RC सॉल्व करने में भी मज़ा आ रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं इसमें, बिकॉज यू लाइक अ सब्जेक्ट यू आर इग्नोरिंग 2 अदर सब्जेक्ट्स विच इज रियली रॉन्ग. आप सारा अपना टाइम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को दे रहे हैं. या तो ये सिचुएशन तब आती है जब आपको लगता है कि आप सिर्फ QA पे फोकस करते हैं, बिकॉज QA का सिलेबस तो डिफाइंड है, यू नो व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, और आपको इंग्लिश लगता है कि उसमें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, उसमें वर्बल एबिलिटी ऑड वन आउट और समरी ही तो आना है. फिर आपको DLR लगता है, हर सेट हर मॉक में नया है, हर क्वेश्चन नया है, इसमें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, लॉजिक चलना चाहिए उस टाइम पे, अप्रोच लग जानी चाहिए और बस सेट हो जाता है सॉल्व, ऐसा आपको लगता है. बट QA में यू आर सिंसियर बिकॉज देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस, यू नो कि अभी मेरा अर्थमेटिक कंप्लीट हुआ है, मेरा एल्जेब्रा कंप्लीट हुआ है, मेरा अभी ज्योमेट्री बचा है, मुझे ज्योमेट्री कंप्लीट करना है, तो मैं बस उसी में लगा हूँ, दिन भर मैं वही उसी पे पूरा अपना टाइम दे रहा हूँ, तो ये भी इज अ रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इक्वली डिवाइड टाइम अमंग दीज 3 सेक्शंस. एंड वाई इज दिस टाइम मैनेजमेंट सो सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कितनी भी अच्छी परसेंटाइल आपकी ओवरऑल आ जाए, बट अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है माई डियर फ्रेंड, यू विल नॉट गेट IIM स्कॉल, एज सिंपल एज दैट. तो फिर क्या, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करिए, ठीक है. सेकेंड इज, लोग पूछते हैं कि दीदी कितने घंटे पढ़े कि कैट निकल जाएगा. अरे भाई दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग. कितने घंटे वाली चीज है ना आप साइड में रख दीजिए, अपना एक डेली टारगेट बनाइए और उस टारगेट को कंप्लीट करिए. अब उसे कंप्लीट करने में हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, किसी और को 4 घंटे लग सकते हैं, या आपको 4 घंटे लगे, किसी और को 2 घंटे लग सकते हैं. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इसमें क्या करना है आपको, आवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो साइड में रखिए, डेली टारगेट कंप्लीट हो रहा है बस खत्म, कितने भी घंटे में हो बट आपका डेली टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है जी. थर्ड थिंग कम्स कि आप क्या करते हैं ना, आपने एक टॉपिक उठा लिया, लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, आपने उसे क्वेश्चन लगाना सॉल्व किए, आपने एक मटेरियल से लगाया, हो गया, आपने 20 क्वेश्चन लगा लिया, आप बड़े खुश, अरे वाह आज तो 20 क्वेश्चन लगा लिए. फिर आपने दूसरा मटेरियल बी खोला, उससे भी 20 क्वेश्चन लगा दिए, फिर यहाँ से भी खोला तीसरे मटेरियल से 20 क्वेश्चन वहां से भी लगा लिए. अब क्या हो रहा है ना, स्टार्टिंग के जो 20-20 क्वेश्चन आप लगा रहे हैं सारे मटेरियल के, दे आर जस्ट Level 1 डिफिकल्टी के, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू डोंट नो कि भाई कौन से रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं. तो अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस कर रहे हैं, उसकी रेलिवेंसी नहीं देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी नहीं देख रहे हैं और वेराइटी नहीं देख रहे हैं, देन माई डियर फ्रेंड इट इज अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग, ठीक है. तो प्लीज प्रायोरिटाइज सॉल्विंग रेलिवेंट मटेरियल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग मटेरियल, ठीक है. Also, let me tell you all, today's sponsor of the video is College Vidya, and College Vidya is an amazing website जहाँ पे अगर आप एक online MBA के बारे में सोच रहे हैं तो you will get 75 registered university. अब ये registered university को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग parameters से compare भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले आपके हिसाब की सबसे best university
कौन सी है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, दे हैव देयर कंसल्टेंट्स जिसका आप नीट फिक्स कर सकते हैं। उनसे आप जो भी डाउट आपके दिमाग में है, प्लेसमेंट से रिलेटेड हो या किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है उससे रिलेटेड हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। और आपके एडमिशन से लेके तो आपके प्लेसमेंट तक ये जो कंसल्टेंट्स है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड लेट्स से अगर आपका एडमिशन हो गया किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में और फिर आपके प्लेसमेंट का टाइम आ गया, प्लेसमेंट्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर भी दिक्कत की कोई बात नहीं है, बिकॉज कॉलेज विद्या हैज देयर एंटायर ग्रुप ऑफ एलुमनाइज एंड दोज एलुमनाइज विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट्स। ठीक है जी। सो इफ यू लुकिंग फॉर एन ऑनलाइन MBA, डू चेक आउट द लिंक बिलो एंड आई होप दिस रियली हेल्प्स। फोर्थ थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। लग सकता है कि इतनी सी बात ये कौन सी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है, बट एक्चुअल में ना इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। आई रिमेम्बर मेरे कोचिंग में 300 बच्चे थे, टुवर्ड्स द एंड बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर सिर्फ ना 25-20 बच्चे रह गए थे 300 में से। सो जस्ट इमेजिन बाकी सब कैसे चले गए। ऐसा नहीं था कि बाकी में पोटेंशियल नहीं था क्लियर करने का, बट उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा था जो उनको नहीं हो पाएगा कैट, मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ हो पाता है, मेरी तो दीदी चाचा मामा उनके बच्चों से भी नहीं हुआ, मुझसे कैसे होगा, एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो अगर आप निकाल भी पाएंगे ना, आप में वो पोटेंशियल होगा बिना क्रैक करने का, फिर भी आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिव पीपल। इन फैक्ट मैं ये बोलूंगी फिफ्थ पॉइंट कि भाई हैव अ गुड कैट फ्रेंड। ये चीज मैंने अपने अनअकैडमी के सेशंस में भी कही है कि ये एक कैट फ्रेंड होना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंसान जो कैट की प्रेपरेशन खुद भी कर रहा है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा कोलैबोरेटिव स्टडी, एक दूसरे पे चेक रखो कि यार भाई इसका इतना टारगेट था, इसका इतना टारगेट था, बता दिया दोनों ने अपने अपने टारगेट्स, फिर आप चेक रख रहे हो कि अच्छा इसका टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, दोनों एक दूसरे का चेक कर रहे हो। And you can just have something, थोड़ा सा brownie points कि अगर complete हो गए targets तो there can be streak things that we have, right? तो वो चीज़ आप कुछ ना कुछ interesting चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो। But इस तरीके से अगर आप करते हो ना कि when you know कि there's someone to check on you, तो आप ना काफ़ी sincerely वो चीज़ें करते हो। और जब streak वाली जो चीज़ होती है ना, जो Snapchat पे आप करते हो, तो भाई यहाँ पे पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, तो ये करिए। This is something that I have personally done and I will definitely recommend you all to do this because it really helps. Then the sixth one is, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई आप कोचिंग लगाओ या सेल्फ स्टडी करो, does not matter, irrespective of this. प्लीज हैव अ मेंटोर। वो कोई भी हो सकता है, आपके कोचिंग के टीचर हो सकते हैं या आपके कोई कॉलेज के सीनियर जिन्होंने कैट क्लियर किया है वो हो सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन एज अ मेंटोर विल हेल्प यू जहां पे भी आप स्टक है, जहां पे भी आप गलतियां कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कैट इज अ जर्नी, ओके? तो वहां बहुत बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू विल नीड अ पर्सन जो आपको बता पाए कि डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये होता है और इसको ऐसे अगर आप करोगे तो आप ओवरकम कर सकते हो। वैसे तो मैं हूं ही आपके साथ, बट फिर भी डू हैव अ मेंटोर, राइट, हु इज ऑलवेज देयर एट एवरी स्टेप। ठीक है। और अगर मेंटोर नहीं कोई भी मिल रहा है तो लिंक्डइन पे इतने सारे IIM एलुमनाई हैं, यू कैन जस्ट रैंडमली पिंग देम अप एंड आस्क देम कि क्या मैं थोड़ा बहुत आपसे गाइडेंस ले सकता हूँ, आई एम श्योर दे विल हेल्प यू। कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट, अब ये ना बड़ी चीज़ होती है हम सब में एज अ कैट एस्पिरेंट कि हम ना सोचते हैं मेरा एकेडमिक्स तो बड़ा लो है, मेरी कैट परसेंटेज 99 भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, भाई मेरा नहीं होने वाला IIM में क्योंकि मेरा एकेडमिक स्कोर बहुत लो है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना उसे साइड में रख दो, उसके बारे में सोच के दिमाग खराब करना और टाइम वेस्ट करना नहीं है। रिमेंबर अभी का टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है आप सभी के लिए और आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कैट प्रेपरेशन में होना चाहिए। तो ये चीज की यार मेरा एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ये साइड में, बाद में सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी जो हाथ में है कैट प्रेपरेशन उस पर फोकस करें, एज सिंपल एज दैट। फिर आते हैं वो लोग एट पॉइंट, भाई हु वरी अ लॉट अबाउट देयर प्रोफाइल। वो बोलते हैं मैंने इंटर्नशिप ही नहीं की है मैम, इंटर्नशिप क्या, मैंने तो कभी अवार्ड्स ही नहीं जीते हैं, मैंने तो कभी कुछ नहीं जीता, मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी नहीं है, मेरा प्रोफाइल बहुत लो है, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, अगर मेरा हो भी गया इंटरव्यू में आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक। अरे भाई, प्रोफाइल बिल्डिंग के बहुत सारे वेज है, आप एक बार कैट में अच्छी परसेंटाइल तो लेके आओ, कैट का एग्जाम होने तो दो, अच्छा तो जाने दो, उसके बाद आई एम हियर, आई विल हेल्प यू विद योर प्रोफाइल बिल्डिंग।
देयर आर एन नंबर ऑफ वेज एंड आई एम टेलिंग यू इनफ टाइम होता है आपके पास आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए बाय द टाइम आपका इंटरव्यू आता है. सो इस चीज को भी साइड पे रखेंगे अब, ठीक है जी. एंड लास्ट थिंग जिसमें हम बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ और इंटरव्यूज तो इंग्लिश में होते हैं तो इंटरव्यू तो नहीं निकलने वाला है मुझसे. अरे भाई इसका भी तोड़ है, ओके. एंड एक बार आपका कैट का एग्जाम हो जाए और वो अच्छा हो जाए ना, उसके बाद यू डू हैव एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, इफ नॉट 3 एटलीस्ट यू हैव 2 मंथ्स जिसमें आप ये सारी चीजों पे वर्क कर सकते हो और इसे इम्प्रूव कर सकते हो. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम गिव मी अ प्रॉमिस कि जो 10 चीजें हैं ना, आप इन सभी को साइड में रखेंगे, इन पे फोकस नहीं करेंगे और ये जो गलतियां करके हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, अपना जो मेन फोकस है कैट एग्जाम का उस पे फोकस नहीं करते, उसकी पढ़ाई नहीं करते, ये चीज आप नहीं करेंगे. टाइप प्रॉमिस इन द कॉमेंट्स बिलो और जो जो प्रॉमिस करने वाले हैं मुझे, आई एम गोइंग टू रिमेंबर यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू कीप अ चेक ओवर ऑल ऑफ यू, ठीक है. ऑल्सो I hope you all like this video. If you really like this video, then hit the like button. Comment down below. Kya comment karna hai? Promise bhi karna hai. And if there are any other doubts or anything that you want me to shoot about, do let me know in the comments below. Subscribe to my channel. And thank you very much. Have a good day.